अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट रहमान अब्बास। प्रोग्राम हेल्दी लाइफस्टाइल में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे बेसिक मसल बॉडी पार्ट के, कौन कौन से मसल जिसको हमने उनकी एक्सरसाइज करनी है और कौन से स्केड्यूल से हमें करनी चाहिए। आज हम बात करेंगे चेस्ट वर्कआउट के लिए, चेस्ट वर्कआउट जिसमें अगर आपके डाउन शोल्डर भी वो स्ट्रेट हो जाते हैं, अगर आपके कॉलर बोन्स वीक हैं तो वो प्रॉपर शेप में आने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए वेट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास वेट नहीं है तो पानी की बॉटल्स भी आप ले सकते हैं। बेसिक एक्सरसाइज मैं बताऊंगा जिसके लिए बहुत ज़्यादा आपको सामान की ज़रूरत नहीं, कुछ सामान की ज़रूरत है, जिसके लिए योगा मैट चाहिए, पानी की बॉटल चाहिए। पानी की अगर बॉटल वेट है तो पानी की बॉटल आप कोई भी ईजी जो आपके लिए आसानी से अरेंज कर सकते हैं। चलें फर्स्ट एक्सरसाइज मैं बताता हूँ जो आपने पुशअप्स करने, लेकिन इसको बेसिक स्टैंडर्ड वे से आपने करना है। इसमें आपने घुटनों को बेंड नहीं करना, टांगे बिल्कुल स्ट्रेट हों और आपने स्टैंडर्ड वे से लगाना है लाइक दिस, और हाथों की पोजीशन शोल्डर के पास हो, वाइड लेके नहीं जाना। फर्स्ट 1 2 3 4, शुरू शुरू में 3-4 लगे लेकिन चलेंगे, क्योंकि रूटीन में लगाएंगे तो तभी ये प्रॉपर लगेंगे। वेट की ज़रूरत है, वेट नहीं तो पानी की बॉटल, वेट मिनिमम 2 किलो आप इजी ले सकते हैं, नहीं तो पानी की बॉटल में आप पानी डाल के वॉक कर सकते हैं। योगा मैट फ्लोर पे भी चलेगा। फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैं आपको करके बताने लगा हूँ ये स्टार्ट है, और फ्लायर शेप में, इसको फ्लायर डंबल कहते हैं। इसको आपने बिल्कुल स्ट्रेट फ्लोर तक लेके आना है, देन बाजू इसमें बेंड नहीं करने, बिल्कुल स्ट्रेट हो और स्ट्रेट लेके आने, और डंबल टच नहीं करने। 15 रैप्स आपने लगाने हैं, 1 2 3 4, 15 रैप्स आपने लगाने, 3 सेट्स। एक सेट से दूसरे सेट में जाने के लिए 1 मिनट की ब्रेक लाजमी है। इसके बाद आपने इसी एंगल में नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है, जिसके लिए हाथों की पोजीशन को बिल्कुल आप स्ट्रेट कर लें और 90 डिग्री बेंड आपके बाजू आएंगे, एल्बो आपकी फ्लोर के साथ टच होगी। इसको आपने इस तरह करना है, स्ट्रेट 90 डिग्री, 1। ये है डंबल प्रेस। अगर चेस्ट वीक है, शेप में नहीं है, शोल्डर आपके डाउन है, ये उसके लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। 3 4 5 15 reps, इससे कम आपने नहीं लगाने, शुरू शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होगी लेकिन इतने माइंड में रखने। 6 7 8, 15 रैप्स आपने लगाने। इस एक्सरसाइज को आपने करना है और 1 मिनट की ब्रेक। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे चेस्ट वर्कआउट की, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज। पानी की बॉटल या डंबल वो आप ले सकते हैं, इसको आपने स्टैंडिंग पोजीशन में करना, हाथों को बिल्कुल आप स्ट्रेट, चेस्ट मसल को आपने स्टिफ, देन फ्लाई शेप में 1 2, लाइक अ क्रॉस ओवर, 4 5 6, 15 रैप्स। अगर बिगनर हैं तो हम इसको विदाउट वेट भी लगा सकते हैं। इसके लिए हाथों को इस तरह मुट्ठी बना लें, ग्रिप कर लें और स्टिफ रखनी है, सॉफ्ट नहीं होने चाहिए कि डाउन डाउन ना लगे, स्टिफ हो, देन फ्लाई 1 2 3 4 5, 15 रैप्स। ये बेसिक कंपलसरी चेस्ट वर्कआउट और इफेक्टिव एक्सरसाइज, इसी स्केड्यूल से, इसी रूटीन से आपने करना है। लास्ट एक्सरसाइज मैं बताऊंगा, और ये वो एक्सरसाइज है कि अगर आपकी चेस्ट डाउन है, शेप में नहीं है, उसको पुल अप करने के लिए, जो मोस्टली लोगों को नहीं पता, ये एक्सरसाइज आपने करनी है। इसके लिए आपको वेट की ज़रूरत पड़ेगी और मैट। चले आए मैं आपको वो एक्सरसाइज बताता हूँ। इसके लिए दोनों डंबल्स को हाथों में ग्रिप कर लें,
और स्ट्रेट ले डाउन। डंबल्स को आप यूं बैक पे ले जाएं, रिब्स टाइट, शॉर्ट ब्रीथ, सांस लंबी नहीं लेनी, शॉर्ट ब्रीथ लेनी लाइक दिस। ओके, देन अप, 1, 2, 3, 4, 5, 15 रैप्स। ये डाउन चेस्ट के लिए इफेक्टिव एक्सरसाइज, जो मोस्टली लोगों को पता नहीं है कि अगर डाउन चेस्ट है तो उसको पुल अप करने के लिए क्या करें, ये पुल अप एक्सरसाइज है। 1, 2, 3, 4, 5, इस एक्सरसाइज को आपने करना है और रूटीन से करना है। चेस्ट वर्कआउट की बेसिक एक्सरसाइजेस मैंने आपको बता दिया। इन एक्सरसाइज को आपने एक प्रॉपर एक पैटर्न बना लें, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वो आपको मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। इन एक्सरसाइज को आपने करना है और प्रॉपर एक स्केड्यूल बेस से आपने करना है, 110% गारंटी के साथ ये एक्सरसाइज आपको चेंज कर दे, लेकिन रूटीन में लेके आना। चलें, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, फिट रहें। अल्लाह हाफिज़।